नमस्कार, आप देख रहे हैं एपटी न्यूज। सलीना डालते हैं आज की खबरों पर। बाजार सिद्धार्थनगर लगातार महंगे हो रहे डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष काजी सुहेल के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने पूरे जिले पर प्रदर्शन के क्रम में कुछ पेट्रोल पंपों पर जुटकर विरोध प्रदर्शन किया। तयशुदा कार्यक्रम के तहत दोपहर 11 बजे बटपुर ब्लॉक अंतर्गत बजहा बाजार के पेट्रोल पंप पर जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई चरम पर पहुंच गई है। डीजल पेट्रोल की वृद्धि ने आम लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। कोरोना काल से उपजी परिस्थितियों में लोगों को सहायता न देकर सरकार महंगाई बढ़ाने में लगी है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गगनभेदी नारे लगाते हुए सरकार की आलोचना की गई। प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस सत्तार अलीम के नेतृत्व में धरना देकर विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में और तेजी लाने की बात की। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस महंगाई को कम किया जाए, नहीं तो जनता के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष सबरे आलम शफीर अहमद, नेपाली भाई मनोज यादव, अमेरिका यादव, चौधरी अब्दुल अहद, समाजसेवी दिलसाद अहमद, अब्दुल रहमान खान, मोहम्मद अजहर, रहमत अली, अफ्ताब के अलावा काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या मामला? मैं कांग्रेस पार्टी का पूर्व महासचिव और मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य, मेरा नाम अतहर अलीम है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और मेरे ख्याल से आप चूँकि मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं तो आपको भी ये चीज़ें पता होंगी कि पिछले कई महीनों से बेतहाशा डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। ये आज का हमारा मुख्य मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर हमने आज पेट्रोल पंपों पे, हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त पेट्रोल पंपों पे केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके पेट्रोल और डीजल की मूल्यों में वृद्धि को वापस लेने की मांग रखी। हम इस आंदोलन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई है उसको कम करे, डीजल पेट्रोल के दामों को कम करे, जिससे डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण हमारे किसान भाइयों को, हमारी क्षेत्र की आम जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे देश की जनता को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। डीजल की और पेट्रोल की मूल्यों की वृद्धि होने के कारण सारी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज सरसों के तेल की बात करें तो बहुत महंगाई बढ़ गई है। ये सरकार वादा करके आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार बीजेपी सरकार का नारा दिया था इन्होंने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन्होंने जिस नारे के तहत सरकार बनाई थी इसमें ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। नैतिकता के आधार पे आदरणीय मोदी जी को इस्तीफा देकर पुनः चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है सरकार चलाने में, हमारे देश की जनता को महंगाई की आग में झोंकने का काम। इस वृद्धि की मांग को अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? यदि हमारी इस शांतिपूर्ण मांग को सरकार नहीं सुनती है, अनसुनी करती है, तो जैसा कि हमारे प्रदेश नेतृत्व अजय लल्लू जी का आह्वान है और उन्होंने ये चेतावनी दी है और उन्हीं की बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि केंद्र सरकार ने बढ़ी हुई मूल्यों की वृद्धि को वापस नहीं लिया तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी।